अब ये जो हमारा ऐसा है ना कंट्रोलर, इसको ऐसे रख देंगे जरा हम। गंदा बच्चा हो रहा भैया, चलो शॉट ले ले इसका, ऐसे ऐसे कैसे होगा ठीक है। Wings 100, 200 and 205। अभी हमने Wings headphones वाली वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि कीबोर्ड और माउस भी रिव्यू करेंगे, तो मैंने कमेंट के लिए पूछा था, उसमें कमेंट कर देना, हमारे को माउस के कमेंट ज्यादा मिले हैं, तो आज माउस रिव्यू करेंगे, कीबोर्ड भी आ जाएंगे, टेंशन मत लेना एक दो दिन में। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये 100, 200 के बाद 300 क्यों नहीं आई, ये 205 क्यों है? Wings वालों भाई, आई नीड द आंसर, आप भी कमेंट करना। यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं इनके तीनों माउस के, 100 का, 500, 200 का, 600 एंड 205 का 700, तो काफी बजट में इन्होंने माउस निकाले हैं। और ये बजट में कितना हमारे को जस्टिफाई, मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करेंगे और हमारे को सेटिस्फाई करेंगे गेमिंग में, वो देख लेते हैं। डब्बा भी खोल लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, तीनों के अंदर एक एक हमारे को गारंटी कार्ड मिल जाता है, वो भी बहुत पतला टाइप का, और बस हमारे को माउस मिल जाते हैं, कोई यूजर मैनुअल कुछ नहीं है। मतलब हमारा एक छोटा सा गंदा सा जोक होता था, मतलब वो भी छुटवा दिया कि हम बताएंगे तुम, गलत बात है विंग्स, कुछ तो छोड़ देते हैं। सबसे पहले तीनों के बिल्ड एंड आउटर से शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा 100 है, ये हमारा 6 बटन माउस है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन हमारा 200, ये हमारा 8 बटन माउस है, 2 बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, 1 बटन हमारे को यहाँ पे मिल जाता है फायर बटन जो है हमारा, 2 मेन क्लिक्स स्क्रॉल का बटन और 2 बटन यहाँ पे। एंड ये हमारा 205 है भाई, इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। ये भी हमारा 8 बटन माउस है, 2 मेन क्लिक्स हो गए, 1 हमारा स्क्रॉल, और 2 बटन हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, 2 बटन हमारे को यहाँ पे मिलते हैं और 1 बटन यहाँ मिलता है। यहाँ पे हमारे को यूएसबी इनपुट में मिलते हैं तीनों के तीनों माउस, और आगे से गोल्ड प्लेटेड वाले हैं ये। गोल्ड प्लेटेड पता है ना सर, जब कुछ ना हो तो ये बेच दिया जाए, बहुत महंगा बिकेगा। और यहाँ पे हमारे को तीनों माउस के अंदर ब्रेडेड वायर मिल जाती है, तो इस प्राइस रेंज में ये भी काफी बढ़िया चीज है। एंड टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, तीनों हमारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिलते हैं, बट प्लास्टिक की जो बिल्ड है वो काफी यहाँ पे सॉलिड सी यूज करी है इन्होंने। एंड 100 में हमारे को ना थोड़ा ऊपर मैट टाइप का टेक्सचर मिलता है, जिससे हमारी ग्रिप भी अच्छी बनती है। एंड राइट साइड में जो थंब रेस्ट है, यहाँ पे थंब रेस्ट के ऊपर भी आपको डॉट डॉट टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा। एंड जो हमारा 200 है, ये भी हमारे को रबराइज टेक्सचर में मिलता है, और इसके अंदर भी थंब रेस्ट है, और जो हमारे राइट की जो दो फिंगर्स है उनके लिए भी यहाँ पे काफी सही सा रेस्ट मिल जाता है। और ये हमारा 205, इसकी जो लुक्स है और इसकी जो बिल्ड है वो बहुत सॉलिड है। ये हमारा हैवी 700 का, बट 700 के हिसाब से इसको देख के लगता नहीं है कि ये 700 का माउस है, मतलब काफी प्रीमियम सी फील देता है। और यहाँ पे हमारे को जो उसका ऊपर का टेक्सचर है वो भी मैट फिनिश वाला मिल जाता है, इसके अंदर भी हमारे को थंब रेस्ट मिलता है, और जिसकी लुक है वो देख के ऐसा लगता है जैसे लेफ्ट हैंडेड माउस है, बट ये है राइट हैंडेड ही। और यहाँ पे तीनों के तीनों माउस के अंदर हमारे को RGB मिल जाती है, मतलब ज्यादा FPS मिलेंगे गेमिंग खेलते हुए आपको, बढ़िया किल विल मारोगे वैलोरेंट में आप। और जो RGB है 100 की इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है, और जो हमारा 200 है उसके अंदर हमारे को पूरे माउस में लाइट जलती है, जो ऊपर के ऊपर पैटर्न बना हुआ है। एंड 205 में सिर्फ और सिर्फ विंग्स के अंदर लाइट जलती है, जो काफी एकदम बिल्कुल ना प्रीमियम टाइप की फील देता है यहाँ पे। एंड जो इसके कलर्स हैं वो DPI के हिसाब से चेंज होते हैं, बाकी इसके अंदर कलर आप चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक कलर आप कर पाओगे इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। 200 और 205 में हमारे को सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, और जो इसकी ब्रीदिंग इफेक्ट है उसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं, बाकी आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। इस प्राइस रेंज में और क्या उम्मीद करेंगे। DPI के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, DPI इंक्रीज डिक्रीज करो तो इनकी लाइट चेंज होती है। अब तीनों माउस की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं। सबसे पहले आते हैं DPI। तीनों माउस के अंदर मिनिमम 200 DPI आपको मिलेगी, मैक्सिमम DPI आपको 100 में 3200, 200 में 6400 एंड 205 में भी 6400। और तीनों माउस के अंदर आपको 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाएगा। और पोलिंग रेट के बारे में जिसको ज्यादा नहीं पता, थोड़ा सा आपको ओवरऑल आइडिया दे दूं। पोलिंग रेट क्या होता है, जैसे 125 हर्ट्ज है तो 125 टाइम्स एक सेकंड के अंदर आपका माउस रजिस्टर होगा आपके सिस्टम में, तो जितना ज्यादा पोलिंग रेट होता है उतना ज्यादा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ई-स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो माउस में, तो 500 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज वाला माउस आप प्रेफर करो। ये 125 हर्ट्ज है तो कैजुअल गेमर्स के लिए है, अगर आप बिल्कुल हार्डकोर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। और बात जब गेमिंग की चली रही है, तो तीनों मैंने वैलोरेंट खेल के देखा, मेरे को पर्सनली, मैं कैजुअल गेमर हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ई-स्पोर्ट्स में बढ़िया मजे दे दिए थे, बाकी स्टोरी गेम्स अगर आप खेलोगे तो स्टोरी गेम्स में डेफिनेटली कोई दिक्कत होने नहीं वाली। एर्गोनॉमिक्स तीनों माउस के बहुत बढ़िया है, लुक्स काफी सही है। और बात आती है वेट की, जो हमारा 100 का वेट है वो 95 ग्राम अप्रॉक्स है, और जो हमारा 200 का वेट है वो 104 ग्राम है, और जो हमारा 205 है इसका वेट हमारा 9900 ग्राम है। तो हमारे तीनों माउस के वेट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 100 ग्राम के अप्रॉक्स ही है, मतलब 100 तो ज्यादा ही कम है, 94-95। तो अगर आप ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो और फ्लिक शॉट्स वगैरह आपको मारने हैं तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्लिक शॉट्स मैंने ट्राई करे थे तीनों के तीनों माउस में, कोई भी ऐसा माउस नहीं जिसमें हमारे को रजिस्टर करने में दिक्कत हो गई हो, कि आप फ्लिक शॉट लेते हो और वो रजिस्टर नहीं करता, जैसे हो जाते हैं ना कुछ माउस में दिक्कत, तो वो इन तीनों में नहीं हुई। एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात हो रही थी, 200 और 205 के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट आता है, तो आपको एक बार सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ये 205 का सॉफ्टवेयर है और माउस बना रहा 205 सामने, और जो 200 है ना उसका भी सॉफ्टवेयर सेम ही है, तो मैं एक ही दिखा देता हूं। बेसिक सेटअप में आपको यहाँ पे क्लिक्स मिल जाएंगे सारे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और आपको कोई भी एक्शन रखना हो अपने क्लिक पे, फिर चाहे आपको मैक्रो चाहिए हो, फिर चाहे आप उसको एक्सटेंशन की तरह यूज करो या कोई शॉर्टकट लगाओ, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो कस्टमाइज। और मैक्रो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी कस्टमाइज की आपको सेट करनी है उसे मैक्रो कहते हैं, बाकी तो वो जब आप चलाओगे समझ आ जाएगा।
देन यहाँ पे परफॉर्मेंस आता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी, स्क्रॉल स्पीड, फायर की स्पीड एंड यहाँ पे डीपीआई, डीपीआई पे कौन कौन सा कलर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको डीपीआई 1000 चाहिए और कलर भी अपनी मर्जी से चाहिए, तो बेसिकली आपका ये कलर कस्टमाइजेशन ही है पर डीपीआई के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे स्लो है जैसे स्लो कलर आ रहा है, देन यहाँ पे फास्ट मिल जाएगा, देन स्टैटिक मिल जाएगा। तो स्टैटिक में हमारे को या फिर फास्ट में कोई कलर कस्टमाइजेशन मिलना चाहिए था, यहाँ पे कोई ऑप्शन दे देते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको चार मोड्स मिल जाएंगे, अपने गेम के हिसाब से कोई मोड करना हो, नॉर्मल मोड करना हो, वही सेटिंग्स आपके उसी मोड पे सेव हो जाती है। तो बस ये था इनका पूरा रिव्यू विंग्स के तीनों माउस का, जो हमारे 500, 600 एंड 700 प्राइस में आते हैं। तो इस बजट के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक माउस है, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। 200, 205 थोड़ा सा मतलब हाई एंड वाला हो गया, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। 100 आपका 500 में बढ़िया है, मतलब 500 में और क्या चाहिए, कमेंट में बताओगे ना क्या चाहिए। और बाकी और कोई माउस इसी प्राइस रेंज में जो आप यूज करो, आपको लगता है इनसे बेटर है या इनसे बेकार है, आपको ये कैसे लगे, वो तो देखो सब बताना पड़ेगा, कुछ हो ना हो एल्गोरिदम तो हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुझे टाटा कर दो।